खाजा पिज्जा में आप सबका स्वागत है। आज हम पनीर चंगी जी बनाएंगे। ये थोड़ा सा टेंगी स्पाइसी डिश है, दिल्ली में ये बहुत ही फेमस है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। चलिए जान लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ मैं 300 ग्राम ये पनीर ली हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा पीस में इसको मैं काट ली हूँ क्योंकि हम फ्राई करेंगे इसको। ये दही ली हूँ मैं 2 टेबलस्पून, बेसन ली हूँ 2 टेबलस्पून, ये अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ 2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी, स्वाद अनुसार नमक लेंगे और ये थोड़ा सा चाट मसाला लेंगे। तो ये पनीर ले लेंगे। अब इसमें हम जो दही लिए हैं, दही डाल देंगे, बेसन डाल देंगे, नमक, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको धीरे धीरे करना है क्योंकि पनीर सॉफ्ट है तो टूट ना जाए। तो ये पनीर हमारा अच्छे से कोट हो गया है तो इसको हम ढक के आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पनीर आधा घंटा हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। तो ये मैं कढ़ाई गरम करके इसमें 3 टेबलस्पून तेल गरम कर ली हूँ। तो ये तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम जो पनीर को मैरिनेट करके रखे थे उसको फ्राई कर लेंगे। इसको हम मीडियम आंच पे हर तरफ से चारों साइड से इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा एक तरफ से हो गया है, मैं इसको पलटा दी हूँ। इसको चारों तरफ से ऐसे हम लाल करके सेक लेंगे फिर निकाल लेंगे। तो इसी तेल में हम बाकी सबको भी ऐसे सेक लेंगे। तो ये हमारा पनीर सीक गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पनीर सीक गया है। हमको ग्रेवी के लिए क्या क्या चाहिए हम जान लेते हैं। तो यहाँ मैं टमाटर 2 ठो लेके इसको प्यूरी बना ली हूँ। ये 1 ओनियन को बारीक चॉप कर ली हूँ। दही हम लेंगे 2 टेबलस्पून, धनिया पत्ता 2 से 3 टेबलस्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर लेंगे हम 2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, ये क्रीम हम यूज करेंगे 2 टेबलस्पून। और यहाँ मैं ली हूँ कुछ खड़े मसाला, जो यहाँ बड़ी इलायची ली हूँ 1 ठो, छोटी इलायची 2 ठो, 8 से 10 गोल मिर्च ली हूँ, ये 1/2 इंच का टुकड़ा दालचीनी, 2 लाल मिर्च, 1 तेजपत्ता और 4 ठो लौंग ली हूँ। ये अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे हम 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ये जीरा पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून लेंगे, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून लेंगे और स्वाद अनुसार नमक लेंगे। तो रेसिपी हम शुरू कर लेते हैं। तो जिस पैन में हम पनीर को फ्राई किए थे उसी पैन में हम मसाला बना लेंगे। तो ये तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम जो खड़ा मसाला सब लिए थे इसको डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सॉटे कर लेंगे। तो इसमें से अच्छा खुशबू आने लगा है। अब हम इसमें जो बारीक कटा प्याज डाल देंगे, इसको हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो ये प्याज हमारा गोल्डन हो गया है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें हम टमाटर प्यूरी डाल देंगे। अब इसको हम 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेते हैं। तो ये टमाटर का 50 मिनट चला गया है। अब इसमें हम जो दही लिए थे दही को डाल देंगे। लेकिन इससे पहले हम
गैस को चीन कर लेंगे। दही आप फ्रेश वाला यूज करें। इसी के साथ हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, जीरा, ये धनिया पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे थोड़ा कलर बहुत सुंदर आ जाएगा। अब इसको हम 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। ये मसाला हमारा भुन गया है, अब इसमें हम 1/2 कप पानी डाल देंगे। अब इसमें बॉयल आ गया है तो इसमें हम 2 टेबलस्पून क्रीम डाल देंगे। अब यहाँ बटर का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम जो पनीर फ्राई करके रखे थे इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आंच में सिम पे रखी हूँ। अब इसमें हम धनिया पत्ती डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पनीर चंगेजी रेडी हो गया। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का रेसिपी आप सबको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय।